जयपुर के सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 47, 48 और 51 को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने गोविंदपुरी रामनगर विस्तार और सुडाला की हाई टेंशन लाइन को 50 करोड़ रुपए की लागत से भूमिगत करवाने के कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र के कई पार्षद और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। में कांग्रेस की सरकार ने हर काम में रिकॉर्ड बनाया है। आज भी हमने जो बड़ा काम हाई टेंशन का किया है, ये जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तब मैंने ये नहीं कहा था कि मैं हाई टेंशन हटाऊंगा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल काम था। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार की बड़ी देन है, गहलोत सरकार की, के थिकली पॉपुलेटेड सिविल लाइन्स एरिया में 5.5 किलोमीटर में हमने 35 करोड़ रुपये दिए JDA से विद्युत मंडल को, 33 करोड़ रुपए और कम पड़ेंगे तो और दे देंगे। 5.5 किलोमीटर में लाइन हटाने का सर्वे किया हमने, पहले केबल डालेंगे फिर ये सारी लाइनें यहाँ से हट जाएगी, क्योंकि आए दिन दुर्घटनाएं होती है। मैं तो लोगों से अपील करूंगा, जहाँ पर ये हाई टेंशन लाइन तो 5.5 किलोमीटर हम सिविल लाइन्स की हटा देंगे, बाकी जगहों पर हाई टेंशन लाइन से मकान बनाए तो दूर हटकर बनाए, क्योंकि यहाँ कई दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं। तो हाई टेंशन लाइन का हटना और अंडरग्राउंड केबल डालना ये सरकार की बड़ी योजना है।